नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको हम महत्वपूर्ण चैप्टर पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव अन प्रोडक्टिव एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम के विषय में बताएंगे। फर्स्ट आपको बताना है पब्लिक एक्सपेंडिचर टू टाइप के हम एक्सपेंडिचर करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। फर्स्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द प्रोडक्शन, सेकंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉल ऑफ द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के रूप में कहते हैं। फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। फर्स्ट हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जब 1946 में भारत आपका स्वतंत्र हुआ तो आपके पास कोई भी हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की कोई भी थी, इसके पर सर्वप्रथम नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए। हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट में उन्होंने भारत में स्टील अथॉरिटी का गठन किया, जिसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसी स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने मैक्सिमम हैवी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की जो प्रोडक्शन का वर्क कर सके। ग्रांट इकोनॉमिक्स है, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी वर्क ऑफ सिस्टम है, जो प्राइवेट पर्सन आपको डेवलपमेंट में करती है उसको बैक रूप से इस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन में भी सहयोग प्रदान करना। जैसे कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है उसके लिए हम लैंड उपलब्ध कराएं, टैक्स में फैसिलिटी दें, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक सिस्टम बिल में हम कटौती दें, ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में प्रदान करती है। इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव डिमांड, ऐसी भी उनकी मार्केट में उसके प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने से संबंध में हम गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किया जाता है। इंडस्ट्रियल रिसर्च बार बार होते रहते हैं। सोशल इफेक्ट ऑफ द कंडीशन, द चेंज ऑफ द सिस्टम, समाज की जो आय की व्यवस्था है, यदि इनकम में परिवर्तन होता है तो उनकी मांग में भी परिवर्तन होगी, तो यह इंडस्ट्री रिसर्च करती है। भारत में एक समय था कि भारत आज भी विश्व में दूसरी नंबर पे साइकिल प्रोडक्शन की कंट्री है, लेकिन सेल ऑफ द कंडीशन इन इनकम ऑफ द इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, आज विश्व में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मोटर बाइक और मोटर कार की कंपनी है। बाइक की जितनी भी कंपनियां विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों? अब ये कहेंगे क्योंकि यहां पर कैपिटा इनकम लोगों में बढ़ी, डेवलपिंग कंट्री हुआ। इस संबंध में आज आप अपने बचपन में ख्याल रखिए, दो तीन मोटरसाइकिल की कंपनियां हुआ करती, आज मोटरसाइकिल में इंडियन फॉरेन आज कई लाखों की कीमत के 200-300 सीसी की डेवलपिंग गाड़ियां इंटरनेशनल लेवल पे आज भारत में लोग शौक से उसे लेके चल रहे हैं। इस संबंध में कई कंपनियों ने आपके यहाँ इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया है, इस संबंध में गवर्नमेंट टोटल वर्क करती है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे इनडायरेक्ट ऑन द पब्लिक एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्टिव, जिसे प्रोडक्शन, जिसे हम अनप्रोडक्टिव भी कहते हैं, मतलब डायरेक्ट रूप में वो दिखाई नहीं देता लेकिन इनडायरेक्ट रूप में सहयोग करता है। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे इफेक्ट टू सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड वर्क डेवलपमेंट। इफेक्ट टू सेविंग, किसी भी व्यक्ति को बचत की क्षमता, इन्वेस्टमेंट प्लान और वर्क एक्सपेंसेस कार्य की डेवलपमेंट पे बताती है। फर्स्ट परचेजिंग पावर ऑफ द इंक्रीज, जब किसी भी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब वो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा तो मार्केट में एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ी जाएगी, लाइफ स्टाइल उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट गुड्स सर्विस, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्री एजुकेशन, हेल्थ, रोड एंड
कम्युनिकेशन बेस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइड ऑफ द कंडीशन इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि जब लाइफ स्टाइल चेंज होगी डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। इंक्रीज ऑफ द सेविंग कंडीशन, क्योंकि सेविंग के लिए बार बार गवर्नमेंट चाहती है इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के ही थ्रू हम गवर्नमेंट वर्क कर सकते हैं। इंसेंटिव मेथड इफेक्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसेंटिव के रूप में दी जाती है जिन्हें आप जानते ही हैं, जैसे सेविंग है, इन्वेस्टमेंट के अलावा उनको फिजिकल रूप मनोवैज्ञानिक रूप में साइकोलॉजिकल इफेक्ट के रूप में दिया जाता है। इफेक्टेड ऑन द प्रेजेंट टाइम एंड इफेक्टेड ऑफ द फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम इफेक्टेड द एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट इन द परचेजिंग पावर, तुरंत देना है तो इनकम बढ़ाइए, परचेजिंग पावर में इंक्रीज हो। फ्यूचर टाइम में अगर उनकी परचेजिंग पावर में डेवलपमेंट है तो जैसे पुअर पर्सन को एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हम उन्हें वृद्धावस्था के रूप में जो भी जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, पीएफ, प्रोविडेंट फंड ऐसे प्लान प्रदान करते हैं। इफेक्ट ऑफ द बजट इकोनॉमिक रीएलोकेशन, अब आप देखेंगे बजट के आर्थिक प्रभाव क्या क्या करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरी तरफ से यह इनको देखना है कि राउंड साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट में सिक्योरिटी ऑफ द वर्क, पॉजिटिव वर्क ऐसे इफेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन कंट्री की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी सिस्टम पर आपको करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट में सोशल शांति बनाए रखने के लिए इस पर खर्च की थी। सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, रोड जैसी फैसिलिटीज आपको प्रदान करती है। नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण प्रणाली क्या होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन को हमने तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके लिए प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम लोअर ऑफ पर्सन, एकदम गरीब निर्धन पुअर पर्सन को बेनिफिट देना है। रिप्रोग्रेसिव पुअर ऑफ पर्सन मिडिल एंड अपर क्लास, मिडिल क्लास फैमिली और उससे अधिक देना है। प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एक्सपेंडिचर मिडिल एंड पुअर दोनों पर्सन एंड मैक्सिमम जिनकी इनकम है सभी लोगों को समान। अब इसमें कह रहे हैं सभी लोग, जैसे आप रोड बनाएंगे एक व्यक्ति तो चलेगा नहीं, सभी लोग चलेंगे तो सभी लोगों को समान इसके अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध करें। इनमें जो डिफरेंसेस असमानताएं रहती है उनको कम करने के लिए फ्री ऑफ ग्रांट, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाती है जिससे वह वर्क की जाती है। सब्सिडीज ऑफ सिस्टम आप जानते ही है, जैसे गैस सिलेंडर आप लेते हैं गवर्नमेंट का रेट कुछ दूसरा है। डीबीटी डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर ऑफ दी सिस्टम, पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। कैश ग्रांट भी गवर्नमेंट देती है, जैसे पेंशन स्कीम, ओल्ड विडो और स्कॉलरशिप के संबंध में, मेडिकल एलाउंस के संबंध में, प्री क्विस्ट के संबंध में ऐसी सुविधाएं देती है। रूरल ऑफ एरिया में डेवलप आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या क्षेत्र व गांव व विलेज व कस्बा व एरिया गवर्नमेंट उसे चूज करती है। चूज करने के बाद अनडेवलपमेंट द सिस्टम, क्या हम यहां पर विकास करें, सर्वप्रथम विकास के लिए उनके लिए रोड बनवाएगी, एजुकेशन के लिए स्कूल खोलेगी, अब फर्स्ट एड हॉस्पिटल खोलेगी और डेवलपमेंट चाहेगी तो वहां आरटीआई पॉलिटेक्निक ऐसे टेक्निकल मिलेगी। डेवलपमेंट अगर वहां माइंस एरिया डेवलपमेंट हो रहा है तो इंटरनल कंपनी और फॉरेन कंपनियों ने इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलपमेंट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो और इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो। स्मॉल स्केल ऑफ द इंडस्ट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन, लघु उद्योगों को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे उनके मार्केट को डेवलपमेंट करना जिससे सभी व्यक्तियों तक उनकी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट इसके संबंध में अदर इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर
ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बार बार मैंने आपको बताया पब्लिक एक्सपेंडिचर इस प्रकार की जाती है कि डिमांड और सप्लाई सभी लोगों में समानता बनाई रखी जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रोजगार को बढ़ाने के संबंध में व्यय किए जाते हैं, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज, गवर्नमेंट डेटर डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक वर्क ऑफ द डेवलपमेंट, स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक लेवल से डेवलपमेंट करने का कार्य करती है। आज आपने मेरे क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यदि सही होगा तभी हर व्यक्ति तक लाभ प्राप्त होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमी है तो बंद एसी के कमरे में आप प्लानिंग करके वह प्लान सफल नहीं हुई। यही कारण रहा वो स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी आज भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र अनडेवलपमेंट एरिया के रूप में पड़े हुए हैं। इसका मेन रीजन यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम उठ वितरण का प्रणाली में हमारी कहीं न कहीं कमी रह गई, वो हमारी प्लानिंग में कमी रही। प्लानिंग बनने के बाद हम उस पर ध्यान नहीं दिए कि आज तक उन एरियाओं में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपसे आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाना न भूले कि इसकी कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।